दोस्तों, ITR फाइल करने के कितने दिन बाद हमारे को रिफंड मिलता है, जानिए पूरा अपडेट। जैसा कि हम जानते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद लोगों को सबसे ज्यादा इंतजार रिफंड आने का होता है। ऐसे में हम आज आपको इस खबर में रिफंड मिलने से जुड़ी कुछ जरूरी बात बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। ITR भरने के बाद सबसे ज्यादा इंतजार उसके रिफंड का रहता है। वित्त वर्ष 22-23 के रिटर्न भरने का टाइम चल रहा है, लेकिन रिफंड के लिए इंतजार कितना लंबा होता है, आखिर कितने दिन बाद टैक्स रिफंड प्रोसेस होता है, कैसे पता चलाएं कि रिटर्न फाइल करने के बाद हमारे रिफंड का क्या हुआ, ये सारे सवाल अक्सर टैक्स पेयर के दिलों और दिमागों पर हावी रहते हैं। आज हम आपको सही जवाब देंगे कि रिटर्न फाइल करने के कितने दिन बाद प्रोसेस हो जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। रिटर्न की प्रोसेस होने के बाद टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपका क्लेम सही है, तो इसकी जानकारी SMS और ईमेल के जरिए आपको भेजी जाती है। इस संदेश में डिपार्टमेंट बताएगा कि आपके खाते में कितना रिफंड आएगा, साथ ही वह सीक्वेंस नंबर भी सेंड करेगा। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारतीय स्टेट बैंक रिफंड को प्रोसेस करता है। टैक्स पेयर के खाते में डायरेक्ट रिफंड क्रेडिट किया जाता है, लिहाजा सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ITR फाइल करते समय बैंक का ब्यौरा सही दिया हुआ हो। रिफंड की रकम उसी खाते में डाली जाती है। अगर बैंक अकाउंट डिटेल्स मिसमैच होती है तो रिफंड आने में बहुत देरी लग जाती है, इसीलिए ITR फाइल करते समय बैंक डिटेल पूरी तरह से चेक कर लेना चाहिए। वर्ष 22-23 के ITR रिफंड के अनुसार इनकम टैक्स रिटर्न का ई फाइलिंग प्रोसेस पहले के मुकाबले काफी तेज हुआ है। यही वजह है कि अगर सही टाइम पर रिटर्न फाइल कर दिया गया है तो रिफंड भी काफी तेजी से आएगा। CBDT के चेयरमैन नितिन गुप्ता के मुताबिक, इनकम टैक्स रिटर्न की तरह रिफंड के प्रोसेस में भी काफी तेजी आई है। बीते हुए वर्ष रिटर्न भरने के पहले 30 दिन के अंदर रिफंड जारी कर दिए गए। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इनकम टैक्स रिटर्न का काम तेज हुआ है। CBDT चेयरमैन के अनुसार, ITR भरने के एक दिन के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के मामले में अच्छी तेजी आई है। यह असेसमेंट ईयर 21-22 में 21% से बढ़कर 22-23 में 42% हो गई है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स विभाग ने 28 जुलाई 2022 को एक दिन में सर्वाधिक 22.94 लाख रिटर्न का निपटान किया था। इस साल भी ऐसा ही कुछ होने की उम्मीद की जा रही है। दोस्तों, हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।